हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं अल्टो वेक्साई प्लस का 500 किलोमीटर होने के बाद गाड़ी का रिस्पांस कैसा है, मतलब 500 किलोमीटर कैसा चला गाड़ी मेरा, तो इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं हम लोग इसके माइलेज का। तो माइलेज का भाई सीन ऐसा है कि जैसा कि पहले वीडियो में बताया है आपको, माइलेज अभी बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। इधर कुछ दिन मान लीजिए आपको लगता है 400 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा माइलेज थोड़ा स्टेबल लग रहा है, बाकी इससे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक पिस्टन पे कार्बन नहीं लगता है या फिर ऐसा होता है तब तक के लिए मतलब गाड़ी का थोड़ा सा माइलेज कम होता है। बट पिस्टन तो अगर आप कंटिन्यू अगर चला ले तो ज़्यादा देर या फिर एक दो दिन में पिस्टन में कार्बन लग जाता है। तो अब तो भाई कार्बन इसमें प्रॉपर लग गया होगा और बस यही है भाई। और माइलेज अगर बात करें तो माइलेज अभी ठीक दे रहा है और ठीक पहले के हिसाब से ठीक दे रहा है, बट कंपनी जितना कहती है उतना अभी माइलेज नहीं दे रहा है। तो बात ध्यान से सुनिएगा कि माइलेज पहले के हिसाब से ठीक दे रहा है, ना कि कंपनी जो कहती है 22 का वो वैसा नहीं दे रहा है। अभी जैसे कि 12 दे रहा था तो अभी 14 दे रहा होगा, 15 दे रहा होगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ब्रेकिंग का बात करें तो भाई आप ब्रेक अभी चला के आपको दिखाते हैं, आप खुद देख लेना, आपको एक अंदाजा लगेगा कि ब्रेकिंग इसका कैसा है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को डालते हैं गियर में और एक मिनट, हैंड ब्रेक तो भाई लगा ही हुआ था। हाँ भाई, तो चलिए गाड़ी स्टार्ट हो चुका है अपना। ओके, ब्रेकिंग सही है भाई, बट एक चीज का हम इसमें डिमेरिट कहेंगे या फिर जो भी कहिए, अगर आप गाड़ी पे वेट रखते हो, ज़्यादा वेट रहता है गाड़ी में और आप 50 प्लस गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक अगर आप लेते हो ना तो वैसा ब्रेक लगेगा नहीं। जैसा कि आप अगर लाइट कार चला रहे हो, जैसे अकेले चला रहे हो या फिर दो आदमी बैठाए हुए हो तब आप गाड़ी चलाओगे तो ब्रेकिंग जो लगेगा और फिर आप 5 आदमी बैठा के जो ब्रेक लोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अभी हम 15-20 पे चल रहे होंगे और हम अगर अचानक ब्रेक लेते हैं, गाड़ी रुका है, देखिए रुका है बट एक तरीका से थोड़ा प्रॉपर नहीं रुका, वैसा हार्ड ब्रेक भी नहीं लिया था बट एक होता है। और स्टीयरिंग के मामले स्टीयरिंग का कंट्रोल सही है, बहुत अच्छा लगा हमको इसका स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा है। अलाइनमेंट का सीन है भाई, हमको लग रहा है अल्टो का नया कार में जो भी आ रहा है उसमें अलाइनमेंट का इशू है, इसके भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। आप देख सकते हो हम हाथ छोड़े हुए हैं और गाड़ी अभी तो ठीक चल रहा है, कैमरा के सामने ठीक चल रहा है भाई। और ये पार्क है, ब्रेकिंग का भी बात हो चुका है और आपके माइलेज का भी बात हो गया है, अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल का। और ये सीट बेल्ट का बीपर शुरू हो गया है और आप जब तक नहीं पहनोगे तब तक ये बीप 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 करते रहेगा। तो ये है भाई इसका। और बात करें इसके पिकअप का तो लाइट वेट में गाड़ी का पिकअप ठीक है, मतलब मैनेजेबल है, बट यही अगर आप वेट रखे हुए 4 आदमी अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और यही अगर आप बैठे हुए हैं 4 आदमी के साथ तो भाई बात पिकअप में और ब्रेकिंग में दोनों में डिफरेंस आएगा। अगर आप वेट रखे हुए हो कार में, मतलब वेट का इन द सेंस अगर 4 आदमी बैठे हुए हो तो थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं पिकअप में कमी महसूस होगा, थोड़ा नहीं बहुत महसूस होगा। इन रोड पे पकड़ बना के चलता है कार, एक होता है कि अगर वेट रहेगा कार में भाई तो ऑब्वियस है कि कार रोड पकड़ के चलेगा, तो यही है भाई ग्रिपिंग के मामला में अच्छा हो जाता है। बट अगर आप 50-70 के स्पीड पर अगर आप चला रहे हो, अगर आप 5 आदमी बैठे हुए हो और अचानक अगर आपको टर्न लेना है, अगर ऐसे लेना है तो भाई उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि कार थोड़ा अपना ग्रिप भारी कर रहा है या फिर उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेने में। और इसी के बीच में अगर आप ब्रेकिंग का बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको वैसा ही फील होगा इसमें। चलते हैं घर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।